हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और आज यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बारे में आपने एक दो दिन से मतलब आप सुन रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन इसकी गंभीरता को आपने अभी तक नहीं समझा होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शिक्षकों के लिए किया है एक ऐलान। और ये ऐलान क्या है, शिक्षकों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली बात क्या है। आप बहुत सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में 2000 के बाद, यानी सन 2000 के बाद, मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। यानी आपने सुना होगा कि एडेड स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे के तहत 6 से लेकर के 8 तक भर्ती हो जाती थी जूनियर की, है ना। एडेड स्कूल आप समझते ही हैं, इसमें मैनेजर्स जो है रिकमेंड करके शिक्षकों की भर्ती कर देते थे और इसमें खूब पैसा चलता था, 10-10, 15-15 लाख रुपया, और इसकी शिकायत भी होती थी। तो सन 2000 बाद के बाद जो ऐसे टीचर हैं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था। और अब इसने रद्द किया है सन 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों को। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के मैनेजमेंट कोटे से नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है, और जिसमें 2000 के बाद से अब तक, यानी 2020 तक, वैसे 2020 नहीं, 2015 तक ही मैनेजमेंट कोटे से नियुक्ति हुए, उसके बाद 2015 के बाद से अभी तक नहीं हुई। तो 2015 से लेकर के 20 तक आप देखे होंगे कि लगभग 5000 पद खाली हैं शिक्षकों के, ठीक है। लेकिन अगर सन 2000 से ये रद्द किया जाता है तो इन पदों में हो जाएगी बढ़ोतरी। अब इन शिक्षकों को राहत क्या है कि इनकी परीक्षा होगी, और कोर्ट ने इस कोटे से नौकरी पाए शिक्षकों को राहत देने का विकल्प सरकार को दिया। यानी सरकार अब पहले से नियुक्त लोगों को उम्र में छूट, मेरिट में छूट देगी, और इस प्रक्रिया में जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें वेतन दिया जाएगा। तो सरकार अब इन्हें जो है जल्दी से इनके लिए भर्ती निकालेगी। अब जान लीजिए कि एक तरह से मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, जैसे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो दो भर्तियां आईं, 68,500 और 69,000। ठीक वैसे ही तदर्थ शिक्षक जो है 2000 के बाद से जो नियुक्त हुए हैं, इनको भी जो है अब रद्द कर दिया गया है इनकी नियुक्ति, और अब नई वैकेंसी आएगी पद बढ़ा करके। तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे थे। खैर, उन लोगों का तो बहुत घाटा हो गया जो पैसा ले दे करके मैनेजमेंट कोटे से अपना करवा लिए थे और सोच रहे थे कि हमारी नौकरी सॉलिड है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया है। देश की सर्वोच्च अदालत को मिली स्पेशल पावर एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। यानी ये आदेश अब निरस्त नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है। जैसे शिक्षा मित्रों वाला आदेश निरस्त नहीं हुआ और सरकार को 68,500 और 69,000 दो वैकेंसी करवानी पड़ी, तो आप जान लीजिए कि इसमें होगा क्या। सन 2000 के बाद से जितने शिक्षकों का नियुक्ति रद्द हुई है वो पद प्लस ये जो 5000 पद हैं इनको जोड़ करके न्यू वैकेंसी आएगी। और इसमें उन लोगों को, जैसे शिक्षा मित्रों को स्पेशल रेफरेंस दिया गया था उम्र के लिए और वेटेज के लिए, तो सरकार कुछ इस तरह की राहत इनको देगी। अब ये राहत क्या होगी आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ नई वैकेंसी की सुगबगाहट जो है देखने को आपको मिल जाएगी, और जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें वेतन दिया जाएगा। यानी अब सरकार इनके लिए भाई नई भर्ती करेगी, नहीं तो ज़्यादा दिन तक इनको जो है वेतन क्यों दे। तो अब आपको ये चीज़ जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होने के बाद देखने को ये मिल सकता है, समझ गए। तो इस मामले में जो है बड़ी खबर मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट की खबर थी जो आपको जानना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।